अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों। मैंने पहले वीडियो बनाए थे पश्तो में, मैंने आप सबको बताया था कि मैं एक पैगाम दूंगा आसिफ गफूर साहब के लिए। मैं एक पैगाम देना चाहता था, मेरे लिए एक बार फ़ोन आया, मैंने एम पे लिखा भी हुआ है कि मेरे लिए फ़ोन आया कि मैं आपको मिला दूंगा, तो अभी तक रब्ता नहीं हुआ। मैं आसिफ गफूर साहब पहले DGSPR था, फिर क्वेटा का कोर्ट कमांडर था, तो आज भी मेरे लिए DGSPR है, आज भी मेरे लिए क्वेटा का यानी बलूचिस्तान का कोर्ट कमांडर है। मैं इसे मिलूंगा चाहे जहाँ भी हो, लेकिन मैं आप सबको पैगाम दूंगा। मेरे जितने दोस्त हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, वो मेरे वीडियो देखते हैं, वो जो मुझे कमेंट करते हैं, बहुत सारे प्यारे और अच्छे कमेंट करते हैं। इसमें से जिनको घरों में सिखाया होता है, उनके घर में मतलब सिखाया हुआ है कि उल्टा पुल्टा बातें करते हैं, लेकिन मेरे लिए कमेंट करते हैं। इनका ख्याल है कि मैं चुप जाऊंगा, किसी कब्बा भी मुझे चुप नहीं कर सकता। मैं आपको पैगाम दूंगा, जो मुझे कमेंट करता है, जो मुझे कहता है आप नहीं मिल सकते, मैं इंशाल्लाह मिल करके दिखाऊंगा। और आप सबको मैं एक पैगाम दूंगा कि ये वीडियो मेरा शेयर करें DGSPR तक, कोर्ट कमांडर आसिफ गफूर साहब तक। मैं आसिफ गफूर साहब से मिलूंगा, आप सबसे अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं मिलूंगा। आप लोग जो कुछ कहेंगे, आप लोग जो भी बोलेंगे, मैं आप लोग को बातों पे नहीं आऊँगा। मैं इंशाल्लाह ये करके दिखाऊंगा। ये मैं तमाम सोशल मीडिया वाला, मैं देखो ये भी मैंने लिखा हुआ है, सोशल मीडिया वाला से अपील करता हूँ कि मेरे पोस्ट इतने ज़्यादा शेयर करें और ये मेरा वीडियो उन लोगों तक पहुँचा दिया जाए जो जिम्मेदार है। मैं वो जिला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से अपील करता हूँ, मैं तमाम MNA, मैं तमाम MPA से अपील करता हूँ कि ये वीडियो DGSPR, मेरे लिए तो DGSPR है अभी भी आसिफ गफूर साहब, मैं उसे मिलूंगा जहाँ पे भी है इंशाल्लाह। और आखिर में मैं एक नारा पहले भी लगाया था, अभी भी लगाऊंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।